हे एवरीवन, कैसे सारे के सारे फाइनली हैं बैक। दो वीडियो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि यार भाई कार कस्टमाइजेशन के ऊपर कुछ लेके आओ, तो यार आप बोलो और मैं ना लेके आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दूर कार कस्टमाइजेशन दिखाने के लिए। उससे पहले गाइस मैं आपको एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बायनोमो ऑनर्स ट्रेडिंग ऐप, जिस पर आप सिर्फ 400 रुपये इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और इनिशियली आपको 60,000 रुपीज़ मिलते हैं अपने डेमो अकाउंट में। बाकी मैं आपको बताता हूँ, एक बार ट्रेड करके दिखाता हूँ। मैंने लॉग इन कर लिया अपने रियल अकाउंट में और जो रियल अकाउंट का बैलेंस है वो है 49,038 रुपीज़। अगर मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे अमाउंट का सेक्शन है, यहाँ पे हम अमाउंट को कम भी कर सकते हो और अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। तो हम लोग ट्रेड करेंगे 700 रुपीज़ में। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे मेजोरिटी ओपिनियन है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन का मतलब है कि आप ग्राफ के ऊपर जाने पैसे लगाना चाहते हो, रेड बटन का मतलब है कि आप ग्राफ के नीचे जाने पैसे लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपने 700 रुपीज़। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है और देखना है कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। अगर सबसे अच्छी बात है इसमें विड्रॉल बहुत आसान है, आप डिपॉजिट पे जाओगे, विड्रॉल फंड्स पे जाओगे, आप बस यहाँ पे अमाउंट डालोगे, गूगल पे कर सकते हो, आप ग्लोब पे कर सकते हो या फिर आप पेटीएम वॉलेट कर सकते हो। हाँ जी, तो कैसी लगी एप्लीकेशन? आपने देखा यार कितनी जल्दी मैंने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए। अगर इस कूपन कोड आ रहा होगा स्क्रीन पे, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको 100% वेलकम बोनस मिलेगा। तो यार काफी अमेजिंग ऐप है, मतलब मैं तो यूज कर ही रहा हूँ, आप भी अगर यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, जाके डाउनलोड करो। फाइनली आई एम हेयर। और यार आज ना यहाँ पे आके जब मैंने फॉर्च्यूनर देखी तो यार दिल खुश हो गया, क्योंकि इस फॉर्च्यूनर में पूरा का पूरा इंटीरियर का काम हुआ है। तो आप करो कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय इसके पूरे इंटीरियर के, उसके बाद मैं आपको एक एक करके चीज़ बताऊंगा कि यार इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। मतलब रिक्लाइनर ले लो, टेबल ले लो, फ्रिज ले लो, सब कुछ मतलब इसमें बना हुआ है। तो एंजॉय द सिनेमैटिक शॉट। आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे होंगे, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि यार आपको गाड़ी कैसी लगी, क्योंकि यार बहुत दूर आए हैं आप लोगों के लिए इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी कवर करने के लिए। अब अगर हम गाड़ी को कवर करें तो सबसे पहले तो यार ये होता तुम्हारा भाई मतलब फॉर्च्यूनर में कैसा लग रहा है। आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे हो। अब अगर हम गाड़ी को अंदर से कवर करें तो यार आप ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा रेड कलर का ये कॉम्बिनेशन दे रखा है ब्लैक के साथ, जो काफी अमेजिंग लग रहा है। ये पूरा का पूरा पैनल है, मतलब इस गाड़ी में ज्यादा रेड कलर यूज नहीं किया गया, क्योंकि यार वो आंखों में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उतना ही रेड कलर यूज किया जितना इम्पोर्टेंट था। तो ये पूरे के पूरे दोनों पैनल आप देख सकते हो, ये जो सीट है फुल बकेट सीट है, तो आप देख सकते हो ये बार स्टिचिंग देखो गाड़ी की कितनी अमेजिंग आई है इसकी सीट की सारी की सारी। यहाँ पे जो हैंड रेस्ट है ये पूरा का पूरा स्टिच किया गया है, पूरी की पूरी सीट पर से बनी है। आप ये रूफ देख सकते हो, ये रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मतलब वैसे ही यार ये फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल है, देख ही रहे हो आप, ऑटोमेटिक है। तो इस गाड़ी में ना सब कुछ मेनली ऑटोमेटिक ही है। अभी हम पीछे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब जो भी चीज़ दिखाऊंगा ना सारी की सारी ऑटोमेटिक, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है खींचना है कुछ नहीं, सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और सारी की सारी चीज़ें वर्क करेंगी। चलो चलते हैं पीछे। आई होप जितना मज़ा मुझे इस गाड़ी में बैठ के आ रहा है उतना ही आपको वीडियो में देख के आ रहा होगा। तो गाइस इसमें काफ़ी सारे हिडन फीचर है, मैंने आपको टेबल दिखाया, उसके बाद गाइस इस फॉर्च्यूनर में लगी हुई है रिक्लाइनर सीट्स। तो एक बार मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो स्विच है, तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा रिक्लाइन करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो ये अभी जा रही है पीछे पूरी की पूरी। तो आप देखो अगर ये टेबल खुला हुआ हो और आपकी सीट पूरी रिक्लाइन हो, दोनों एसी फैन की हवा आपके मुंह पे आ रही हो, तो यार इससे ज़्यादा क्या ही मज़ा आएगा। उसके बाद गाइस रिक्लाइनर सीट में दो तीन आपके फीचर्स हैं, जैसे कि आप हेडरेस्ट देख सकते हो। अगर मैं हेडरेस्ट को ऊपर करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो, ये यहाँ से मैं हेडरेस्ट को ऊपर कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बटन से कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हेडरेस्ट हो गया ऊपर। अगर मैं इसको नीचे करना चाहूँ तो ये हेडरेस्ट हो गया नीचे। इसमें एक और फीचर है, इसमें एक अपर बैक का भी फीचर है, मतलब ये जो आप पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हो ये भी आगे पीछे होता है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ आगे पीछे कि कैसे होता है। एक बार मैं ये देखो, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये इतनी चीज़ है, ये पूरी की पूरी आगे आ रही है, सीट वहीं की वहीं है पर ये चीज़ आगे आ रही है।
तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को बैठा रहे हो या अगर आप ज्यादा लंबे हो तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंगली, ये देख रहे हो ये यहाँ पे ये रिंकल आ गया, क्यों? क्योंकि ये सीट का जो अपर पार्ट है वो आ गया है। तो अब जो मेन फीचर है ना गाड़ी का, जिसके लिए मतलब मैं गाजियाबाद से यहाँ इतनी दूर आया हूँ, वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि यार फॉर्च्यूनर में शायद ये ऐसी फर्स्ट फॉर्च्यूनर है जिसमें लगा हुआ है क्या, वो मैं आपको पीछे जाके बताऊंगा। गाइस अब मैं आ गया हूँ पीछे, और जो मेन फीचर है इस गाड़ी का वो है इसमें लगा हुआ एक बार टेबल पूरा का पूरा। सबसे पहले तो यार बार टेबल अधूरा है, अगर उसमें लाइटिंग नहीं है तो आप नीचे देख सकते हो ये पूरी की पूरी ब्लू कलर की यहाँ पे लाइटिंग रखी है, और भी इसमें लाइट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, अगर मेरे को ये रेड लाइटिंग करना है, थोड़ा सा एटमोसफेयर रेड करना है, तो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये पूरा का पूरा टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा शीशा लगा हुआ है, जिससे कि अगर आप कुछ भी रखते हो तो यार आपको लगे, आपको फील आए कि यार आप बार पे मतलब कुछ खा पी रहे हो। अगर इसका मेन फीचर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लगा हुआ है एक फ्रीजर। इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें आप आइस भी कूल कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो मतलब। अगर मैं लेफ्ट में आऊं तो यहाँ पे ये दे रखा है एक स्टोरेज बॉक्स, तो इसको मैं एक बार यहाँ से खोलूँगा तो ये पूरा का पूरा स्टोरेज बॉक्स खुल गया। मतलब यहाँ पे अलग अलग आपको स्पेस दे रखी है, जिसमें आपको वाइन रखनी हो वाइन रख सकते हो, जो थोड़ी चौड़ी बॉटल रखनी है वो रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे एक लाइट भी दे रखी है, अगर मेरे को रेड करना है तो यार यहाँ से मेरे को सिर पर एक बटन दबाना है। अगर मैं यहाँ के स्टोरेज की बात करूँ तो यार पूरा का पूरा यहाँ पे बिस्लरी रख लो। एक बार आप पूरी की पूरी गाड़ी देखो यार, कितना अमेजिंग पीछे से इसका लुक आ रहा है, मतलब रेड और ब्लैक रहा है यार, मज़ा आ गया। तो ये देखो पूरी की पूरी गाड़ी तुम्हारा भाई कवर कर रहा है गाजियाबाद से यहाँ तक। तो अब करता हूँ अमित भाई से बात और उनसे पूछते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस अब बात करते हैं मास्टर माइंड से, जिसने पूरी की पूरी गाड़ी डिजाइन करी है, पूरी की पूरी गाड़ी बनाई है। सर क्या हाल है? थैंक यू आशीष जी, कैसे हो? बस बहुत बढ़िया सर, कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स से? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा आशीष भाई का, इन्होंने हमारी काफी सारी गाड़ियां कवर की हैं और हर वीडियो को बहुत प्यार मिला और बहुत कॉल्स आए हैं भैया। देखो काम अच्छा होता है तो यार कॉल्स तो आते ही हैं, पब्लिक पसंद करती है काम को। और दूसरा कहते हैं इनके साथ बहुत अच्छा प्यार है, छोटे भाई की तरह है मेरे। दूसरा अब ये गाड़ी हमने डिजाइन की है, ये लॉकडाउन में तो जस्ट पहले गाड़ी आई थी हमारे पास बनने के लिए, बट ड्यू टू लॉकडाउन हम इसमें काम नहीं कर पाए, हमारा काम डिस्टर्ब हो गया था। तो ये गाड़ी अब हमारी जाके फाइनली तैयार हुई है। अब हम ये गाड़ी जो डिज़ाइन की है स्पेशली कस्टमर की एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि किसी भाई ने आपको बताया होगा, इसमें सारे स्पेशलाइज फीचर हैं सब हमने खुद डिज़ाइन किए हैं। जैसे कि ये बार टेबल है, ये हमने डिज़ाइन किया है कस्टमर के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की हाइट काफ़ी लॉन्ग है। बेसिकली ये गाड़ी पंजाब से है तो आपको पता है पंजाबी काफ़ी लॉन्ग हाइट के होते हैं, टॉल होते हैं। दूसरा इसके अंदर उनको फील चाहिए था, पूरा लेग रूम चाहिए था, इनफ लेग रूम चाहिए था सब कुछ, और बाकी रिक्लाइनर उनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिजाइन किए हैं पूरे, जिसमें हर चीज फुली ऑटोमेटिक है और लगना चाहिए क्लास लुक है गाड़ी के अंदर आना चाहिए। तो वो मैं पब्लिक को ये बता रहा था कि इसमें ज्यादा रेड भी यूज नहीं किया और ज्यादा रेड भी नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर आपने सेगमेंट में बनाई है, जिससे कि मतलब कोई बैठे ही तो ये ना लगे कि यार लाल लाल ज्यादा है या ब्लैक ब्लैक ज्यादा है। तो मतलब एक प्रॉपर प्रमोशन में अपने प्रपोर्शन में पूरी की पूरी गाड़ी की कस्टमर चाहते थे कि उनका जो इंटीरियर है वो थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा लग्जरी गाड़ी कार्स का जैसा फील आए उन्हें, दूसरा गाड़ी देखने में और ना लगे और थोड़ा सा क्लासी लॉन्च वाला लुक आया, लॉन्च का यानी कि पूरा फील है जो कि रेड कलर आप जानते हैं कि लॉन्च के लिए रेड कलर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। तो भैया एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये जो गाड़ी पूरा इंटीरियर बना है इसमें कितना टाइम लग जाता है? ऐसी गाड़ी बनने में लगभग अमूमन एक महीने का टाइम तो लग जाता है, एक महीने का लग जाता है। तो अब तो डेढ़ का लग जाएगा क्योंकि अब थोड़ा सा मैन वर्क थोड़ा सा लेबर कम हो गई है। तो गाइज वही है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत दूर से आया भैया, एक बार बताना मैं कहाँ से आया, मतलब आपका एक बार एड्रेस क्या है? गाजियाबाद में रहते हैं भैया, और राजनगर से भी आगे से भैया आते हैं। तो काफी दूर से स्पेशली गर्मी के मौसम में आए हैं, टाइम निकाला है कोरोना की वजह से, लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, उसके बाद आज आए हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन लग चुका है ऊपर से। अभी अभी मम्मी का फोन आया कि भाई जल्दी आ जा यूपी में 8 बजे से अब बिल्कुल लॉकडाउन लगने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी गाड़ी अच्छी लगी हो, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे रहा हूँ, भैया का एड्रेस दे रहा हूँ। गाड़ियाँ गाइस चंडीगढ़ हो गुजरात हो हर जगह से गाड़ी आती है, ये भी गाड़ी भी चंडीगढ़ से ही है। तो गाइस मतलब मुश्किल से 5,000 किलोमीटर चली हुई है, टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर बंदे ने ली है पूरी की पूरी गाड़ी को, मतलब लॉन्च लुक में मतलब करवाया है। तो भैया और कुछ बोलना चाहोगे आप? बस आप सब प्यार दें और कहते हैं हमें मौका दें, हम और ज्यादा अच्छा काम कर पाएं, आगे और अच्छे कार बना पाएं, सही बात, आगे आप और नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ पाएं। बस कुछ प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे अच्छे हमारे वर्कशॉप में रेडी हो रहे हैं, उन पर भी काम चल रहा है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी भाई उनको कवर करेंगे। आप देखिए हम क्या क्या और आगे आगे आपको आगे मजा आ जाएगा, मैं बता सकता हूँ इस तरह के मजा आ जाएगा। चलो गाइस थैंक यू सो मच, अगर ये आपको गाड़ी अच्छी लगे तो यार वीडियो जरूर लाइक करके जाना।